ओके हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो फाइलम आपका है फाइलम एनिलिडा। इसके पहले हम लोग ने क्या देखा था, फाइलम पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिंथस, एस्केल्मिंथस, और अब हम आज हम लोग देखने जाएंगे फाइलम एनिलिडा। ओके नाउ ये जो हम लोग फाइलम्स देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इवोल्यूशनरी ट्री के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। मतलब सबसे पहले कौन सा एनिमल आया, फिर देन उसके बाद कौन सा आया, फिर देन उसके बाद कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो फाइलम क्या है, फाइलम एनिलिडा है। ओके ना चलो देखते हैं हम फाइलम एनिलिडा। अभी ये फाइलम का एनिलिडा नाम क्यों है, एनिलिडा नाम क्यों दिया गया है, तो लैटिन में एनिलिस का मतलब होता है रिंग। एनिलिस का मतलब क्या होता है, रिंग होता है। मतलब इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे एनिलिडा के बारे में, देन उसके बाद हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये फाइलम जो होता है इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। क्या होती है, सॉफ्ट बॉडी एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल। मतलब ये क्या होता है, बायलेटरल। अगर हम इसको सेंटर से, अगर हम एक प्लेन से अगर हम इनको कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइप्लोब्लास्टिक। मतलब यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो थ्री जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थ्री लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म मिडिल लेयर मेसोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म। ओके बॉडी कैसी होती है इनकी, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, इनकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यहाँ पे इनकी बॉडी में वो कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पे माउथ एंड एनस, बॉडी में दो ओपनिंग प्रेजेंट होंगे, एक से फूड इंटेक करेंगे एंड देन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा एंड जो वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होगा बॉडी के सेकेंड पार्ट से वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बेसिक थिंग्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, किसके, फाइलम एनिलिडा के। ये क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉर्म रहेगा। ओके अप्रोक्सीमेटली इसका एडल्ट का साइज कितना होता है, 15-30 सेंटीमीटर। ओके डार्क ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट ऑफ, ये कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, पॉर्फिरिन प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी, इनके स्किन में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो पिगमेंट की वजह से इनका जो कलर होता है, अगर आप अर्थवर्म देखोगे तो वो डार्क ब्राउन कलर दिखेगा आपको। नाउ इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी है। ये सेगमेंटेड बॉडी क्या होता है, डिवाइड इनटू एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम। एंड जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं। ओके प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम, एंटीरियर होता है एंड पोस्टीरियर होता है ना। अब ये जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड यहाँ पे प्रॉपर सेगमेंटेशन होता है एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं। मतलब एक्सटर्नल टू इंटरनल पूरा का पूरा डिविजन होता है। तो ये सेगमेंट ऐसे रहेगा, हम जैसे ये डायग्राम देख लेते हैं, चलो ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, दिख रहा है आपको, ये ऐसे सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलिडा बोलते हैं। नाउ अभी ये जो सेगमेंट नंबर 1-3 होता है वैसे ही सेगमेंट नंबर 14-16 ये सेगमेंट में क्या होता है, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लाइटेलम एंड दैट सिक्रीट म्यूकस। ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है एंड म्यूकस क्या करता है, एग, जो एग का फॉर्मेशन होता है तो एग के ऊपर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करता है, या कोकून का जो फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। ऑल सेगमेंट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम। अभी ये जो तीन है सेगमेंट, एक तो फर्स्ट हो गया, दूसरा आपका हो गया क्लाइटेलम। ओके दूसरा क्या हो गया, क्लाइटेलम हो गया, क्लाइटेलम वाला पार्ट हो गया एंड लास्ट पार्ट जो होता है वो आपका लास्ट सेगमेंट, उसको छोड़ के इनकी बॉडी पे जितने भी सेगमेंट होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, काइटेनियस सीटी प्रेजेंट होता है, काइटेनिया सीटी प्रेजेंट होता है एम्बेडेड इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के ऊपर वो प्रेजेंट होता है। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट, ओवर 2000 नोन स्पीशीज आर ग्रुप इन थ्री क्लासेस. अभी तक एनिलिडा के बारे में जितनी स्पीशीज के बारे में मालूम पड़ा है वो टोटल कितने हैं, 12000. कितने हैं नंबर, कितने हैं 12000. एंड ये 12000 को हम लोग ने क्या किया है, थ्री क्लासेस में डिवाइड किया है एनिलिडा को. एंड वो क्लासेस कौन से हैं, ओलिगोकाइटिस, हायरोडिनियन एंड पॉलीकाइटिस. इसमें आपका क्या आता है, अर्थवर्म आता है. इसमें क्या आएगा आपका, लीचेस. एंड यहां पे क्या आता है आपका, नेरिस आता है. ठीक है, ये तीन हो गए, तीन उसके क्लास हैं. किसके, एनिलिडा के क्लास हैं. अब हम यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं. ये पिक्चर में तीनों क्लास के एक एक एनिमल्स को हम लोग ने लिया है. फर्स्ट जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो क्या है, नेरिस है. ठीक है, सेकेंड जो है वो क्या है आपका, अर्थवॉर्म है. एंड थर्ड क्या है आपका, लीच. ओके, नाउ दिख रहा है आपको डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस दिख रहा है तीनों के अंदर. ठीक है, अभी हम धीरे धीरे हर एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. नाउ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एनिलिडा का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. यहाँ पे इनकी बॉडी क्या होगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आएगा इनके, फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे एक्सक्रिएशन के लिए एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया. जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी प्रेजेंट होता है वैसे ही इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है. एंड डिफरेंट रीजन ऑफ ऑफ गट फॉर डिफरेंट फंक्शन. अभी यहाँ पे जो गट है इनका, उसका अलग अलग रीजन का अलग अलग फंक्शन होता है. एक एक पर्टिकुलर रीजन पे एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, दूसरे रीजन पे दूसरा फंक्शन होगा, तीसरे पे तीसरा फंक्शन होगा. ठीक है, नाउ सी इट क्या होता है. एक्सटर्नल ब्रिस्टल्स पेयर्ड ऑन ईच सेगमेंट प्रोवाइड ट्रैक्शन फॉर क्रॉलिंग माउंट ऑन मोश. ये जो सीटी होता है, ब्रिस्टल इज लाइक अ हेयर लाइक. ओके, बालों के जैसा दिखता है, पतला पतला बालों की जैसा दिखता है. ये सीटी होता है. एंड इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो किसके लिए होता है, लोकोमोशन के लिए होता है. क्या होता है, लोकोमोशन के लिए. एंड पैरापोडिया, ये पैरापोडिया फ्लैशी अपेंडेज ऑन सम, मतलब ये नॉर्मली किसमें प्रेजेंट होता है, नेरिस में प्रेजेंट होता है. किसमें होता है, नेरिस में प्रेजेंट होता है. एंड पैरापोडिया का भी फंक्शन क्या होता है, वो लोकोमोशन के लिए, स्विमिंग के लिए यूज होता है. Now, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है क्या है, ये एक अर्थवॉर्म का पिक्चर है. ठीक है, ये किसका पिक्चर है, एक अर्थवॉर्म का. ये ब्राउन कलर दिख रहा है. एंड ये जो पार्ट है ये क्या है, क्लाइटेलम है. ये क्या है, क्लाइटेलम है. ये इनकी जो बॉडी आपको दिख रही है, यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी दिख रही, ये सेगमेंटेड पार्ट है. यहां से हम देखेंगे अगर, तो ये आपका सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट. ठीक है, ये सेगमेंटेड पार्ट दिख रहा है आपको. ओके, सेगमेंटेड. अभी ये जो सेगमेंटेड, मतलब अलग अलग सेगमेंट होता है. एंड क्लाइटेलम जो होता है, ये सेगमेंट नंबर 14 to 16 ये फ्यूज होता है. क्या होता है, फ्यूज होता है. एंड ये डार्क कलर का फॉर्मेशन होता है. एंड ये क्या होता है आपका, क्लाइटेलम. एक साइड में, एक एंटीरियर साइड में क्या होगा, एंड में यहाँ पे माउथ होगा. एंड यहाँ पे क्या होगा, एनस प्रेजेंट होगा. मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है. और पीछे मैंने जो पिक्चर लिया है वो किसका है, वो मिट्टी के ऊपर का पिक्चर है. क्यों लिया है, नॉर्मली जब हम बायो फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, हम एज अ फर्टिलाइजर अर्थवॉर्म का ज़्यादा यूज़ होता है. वर्मी कल्चर होता है ना, तो अर्थवॉर्म का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि अर्थवॉर्म ये मिट्टी को खोदता है. ठीक है, एंड मिट्टी के अंदर जाता है एंड देन उसको खोदता है. तो क्या होता है, मिट्टी जब मिट्टी को एक्सपोजर मिलता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है. क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है. तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ओके, ये डायग्राम देख के बताओ आप मुझे, एक्चुअली इसमें है क्या, यहां पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं. ये जो एनिमल होता है, एनिलिडा होता है, वो क्या होता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड ट्रू सीरोम. मतलब यहां पे सीरोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है. तो अगर आप देखोगे एंडोडर्म, जो गट का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, एंडोडर्म से होता है. एंड अंदर आपको दिख रहा है इंटरनल ऑर्गन्स दिख रहे हैं. एंड पेरिटोनियम दिख रहा है आपको, मेसोडर्म दिख रहा है, ये है मेसोडर्म. ओके,
एंड देन सीलोम, ये जो कैविटी है ये क्या है, सीलोम है, ठीक है। मसल्स मेसोडर्म दिख रहा है आपको, ये मेसोडर्म है, ठीक है। एंड एक्टोडर्म आउटर लेयर, अब ये जो सीलोम का फॉर्मेशन होता है ये किससे लगा लग के है, ये मेसोडर्म से लग के है, मेसोडर्म की लाइनिंग से बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोमेट एनिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोमेट बोलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, थोड़े थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होता है, वेल डेवलप सीलोम, ओके सीटे प्रेजेंट होता है, नॉर्मली किसके लिए होता है इसका यूज, लोकोमोशन के लिए, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ओके लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल जो होता है नॉर्मली हम बोल सकते हैं स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, एंड स्मूथ मसल्स में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, एंड मूवमेंट के लिए लोकोमोशन के लिए नॉर्मली किस सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, सीटे का यूज होता है। नाउ रेस्पिरेशन देखते हैं, एनिलिडा में रेस्पिरेशन, अभी तक हम लोग ने जितने भी एनिमल्स देखे हैं सब में रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब स्किन से रेस्पिरेशन होता है, बॉडी के आउटर सरफेस से रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, अपर्स थ्रू स्किन, ओके। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अगर एग्जाम में आपको आया कि एनिलिडा में कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होता है तो आपको आंख बंद करके ही बताना है कौन सा होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। सम हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन पॉलीकैट, ओके। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज अ ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, अभी जहां पे गिल्स प्रेजेंट होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, एंड नॉर्मली ये किसमें कुछ ऐसे होते हैं एनिलिडा, जैसे आपका पॉलीकैटा है वहां पे क्या होगा, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा। ओके ना इंपॉर्टेंट चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एक पार्ट पे आपको, एक साइड में आपको माउथ दिख रहा है एंड सेकेंड पार्ट पे क्या दिख रहा है आपको, एनस दिख रहा है, मतलब ये क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी ये फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स का काम क्या होता है, ये नॉर्मली क्या करता है, लाइफ और डेड, ये क्या करता है, लाइफ डेड, ओके ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उनको खाता है, ठीक है। एंड देन क्या होता है, यहाँ पे सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या करता है, उस फूड को क्या करता है, पंप करता है, उस फूड को क्या करता है, वो उसको पंप करता है, एंड पंप करके कहाँ पे भेजेगा, वो उसको इसोफेगस में भेजेगा, कहाँ पे भेजेगा, इसोफेगस में भेजेगा, एंड वो इसोफेगस से होते हुए कहाँ पे आएगा, गिजार्ड में आएगा, एंड गिजार्ड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, एंड नॉर्मली ये इसको क्या करेगा, क्रश करेगा, एंड देन वो बॉडी उसके बाद वो कहाँ पास आउट होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम रिलीज होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम रिलीज होते हैं, एंड वो एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड फैट जो भी है उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, एंड डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, वो एनस के थ्रू क्या होगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ओके नाउ अभी इसका हम लोग ने एक सेक्शन लिया है, सेक्शन लेने के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड का आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, ये टाइफ्लोसोल दिख रहा है, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन पार्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इसके बारे में, कंप्लीट अनसेगमेंटेड डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है, कंप्लीट अनसेगमेंटेड, ये चीज याद रखना आपको, इसको याद रखना। ओके कंप्लीट मतलब ये क्या है आपका, अनसेगमेंटेड, ये अनसेगमेंटेड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको आपको याद रखना है। अभी ये जो पार्ट है अनसेगमेंटेड डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि सेगमेंटेड बॉडी होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेड होता है, मतलब एक्सटर्नल टू इंटरनल पूरा का पूरा सेगमेंट का फॉर्मेशन,
बट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। सेगमेंट मतलब अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग नहीं होता, वो पूरा का पूरा एक स्टार्ट टू एंड पूरा होगा। तो ये क्या होता है, अनसेगमेंटेड होता है। रन फ्रॉम द माउथ टू द एनस एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी वॉल बाय द बॉडी कैविटी और सीलोम। क्या होता है, ये बॉडी कैविटी, अभी ये माउथ टू एनस पूरा रन करेगा, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड ये सेपरेट होता है, जो आपका बॉडी वॉल है ऊपर जो बॉडी वॉल है एंड आपका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, दोनों के बीच में क्या होगा, कैविटी प्रेजेंट होगी एंड उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिलिडा कंटेन अ मस्कुलर फेरिंग्स, इसमें फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, इंटेस्टाइन एंड एनस, एंड सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या होता है, माउथ भी प्रेजेंट होता है। माउथ से लेके इतने जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, 1, 4, 5, 6 होते हैं, ठीक है टोटल। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी ये क्या है, सीटे, ओके। अभी ये नॉर्मली देखो, अगर आप सेगमेंट देखोगे, सेगमेंट 1 यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, 8 सेगमेंट दिख रहा है आपको। एंड ये आठों सेगमेंट भी ये दिख रहा है डॉट डॉट आपको जैसे दिख रहा है लाइन, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट क्या होता है, ये सीटे है। एंड इसको जब हम लोग ने और जूम किया तो करके हमको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। एंड ये क्या होता है, नॉर्मली किसके लिए यूज होता है, लोकोमोशन के लिए, मतलब ये ग्रिप के लिए, पकड़ने, ग्रिप करने। जब आप देखोगे अर्थवर्म को तो ऐसा स्लोली स्लोली क्रॉल करता है, स्लोली स्लोली ऐसे क्रॉल करता है, तो उसके लिए किसका यूज होता है, सीटे का यूज होता है। नर्वस सिस्टम, अभी इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, अभी प्रिमिटिव ब्रेन, मतलब अभी क्या हुआ, ब्रेन का फॉर्मेशन, इसके पहले हम लोग ने देखा था वहां पे सेफलाइजेशन हो रहा था, हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, प्लेनेरिया से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने के बाद अब यहां पे ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रिमिटिव ब्रेन मतलब गैंग्लियोनिक मास, यहाँ पे गैंग्लियन जो होते हैं वो एक जगह पे, एक प्लेस पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, ओके। एंड कनेक्टेड, याद देना एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड बाय अ रिंग ऑफ नर्व टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ओके, डॉर्सल एंड वेंट्रल। ये जो होता है आपका, अगर आप डायग्राम ऐसे देखोगे अर्थवर्म का, ऐसे ये डायग्राम है, ये इमेजिन करो ये डायग्राम है अर्थवर्म का, ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर ये हम ऐसे देखते हैं तो ये ऐसे रिंग लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होगा एंड ये वेंट्रल साइड में ऐसे रन करेगा, ओके, डॉर्सल एंड वेंट्रल, ओके। वेंट्रल नर्व कॉर्ड दैट रन द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड ये पूरी बॉडी स्टार्ट टू एंड पूरी बॉडी में ये ऐसे रन होगा, ठीक है। नाउ सेंसेस के लिए किसका यूज होता है, क्या होता है, सेंस ऑर्गन इंक्लूड आईज, टेस्ट बर्ड एंड टैक्टाइल टेंटिकल्स एंड ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड एज अ स्टेटोसाइट्स। अभी यहाँ पे जो आईज प्रेजेंट होता है, आंखें जो प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होता है, नॉर्मली लाइट को सेंस करने के काम आता है, मतलब वो कंप्लीटली इसको दिखता नहीं है बट वो क्या करता है, लाइट को सेंस कर सकता है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये सेल जो होता है स्टेटोसाइट्स, हम लोग ने इसके पहले भी देखा था, कहाँ पे, टेनोफोरा में हमने देखा था, ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। नाउ नर्वस सिस्टम दिख रहा है आपको, ये नर्वस सिस्टम है इसका, ये गैंग्लियन है, ये सेंसरी एंडिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, ओके। एंड ये क्या है, ये जो है आपका फर्स्ट सेगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम। नाउ लेटरल नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है आपके, ओके, ठीक है आपको। और ये क्या है आपका, गैंग्लियन, ये क्या है, ये जो पार्ट है आपका गैंग्लियन। एंड ये ऐसे आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं आपको, ये रिंग जैसा है, ओके। एंड देन ये आपका ये पूरा का पूरा क्या है, नर्व कॉर्ड होता है, क्या होता है, नर्व कॉर्ड होता है। एंड ये कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड में होता है, कौन से साइड में होता है, वेंट्रल साइड में, ओके। चलो एक और डायग्राम देखते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, ये ब्रेन पार्ट है, ओके, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड देन ये वेंट्रल साइड में ये रन होता है थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी बॉडी में रन हो रहा है कि नहीं,
दिख रहा है आपको, एंड बीच बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, गैंग्लियन है, ये क्या है आपका, गैंग्लियन है, ठीक है। एंड और थोड़ा सा उसको और स्पेसिफाई किया तो ये पार्ट आपका रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड ये पूरा आपका क्या रहा है, थ्रू आउट द बॉडी ये रन हो रहा है, ओके। ये जब हम लोगों ने देखा ये क्या है, गैंग्लियन है, ये जब हम लोगों ने देखा गैंग्लियन, मतलब ये जो पार्ट होता है पूरा का पूरा, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ये पार्ट पूरा का पूरा पार्ट किससे लगा हुआ होता है, स्किन से लगा हुआ होता है, स्किन से ही चिपका रहता है। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेक्सुअल, एंड गोनोपोरिस्टिक और हर्मोफ्रोडाइटिक, मतलब ये क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, अ पार्ट ऑफ देयर टेल इज रिलीज विच ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, लाइक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये फ्लूइड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल पोर टू फीमेल ओविपोर, मतलब मेल पोर से, मेल रिप्रोडक्टिव पोर से वो ट्रांसफर होता है फ्लूइड मटेरियल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लाइक ओविपोर में। अभी ये जो होता है, जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएपोलेशन, जो मेटिंग पीरियड होता है, उनका मेटिंग टाइम होता है मेल एंड फीमेल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएपोलेशन, कोएपोलेशन ऑफ अर्थवर्म, ओके। हम लोग देखते हैं कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, देन आगे देखेंगे हम लोग। अभी दिख रहा है आपको सेगमेंट दिख रहा है, नाउ सेगमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। नाउ ये जो है आपका सेगमेंट नंबर 9 टू सेगमेंट नंबर 12, इसके बीच में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, ये कौन सा पार्ट हुआ, मेन पार्ट। एंड सेगमेंट नंबर 15 में क्या होता है, वॉश डिफरेंस प्रेजेंट होता है। एंड सेगमेंट नंबर 14 टू ये क्या है आपका, कैटेलम प्रेजेंट होता है। एंड सेगमेंट 14 में क्या होता है, ओविडक्ट फीमेल, ओवरी फीमेल, ओके, प्रोस्टेट डक्ट ये क्या है, मेल है। अब टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेगमेंट नंबर 9-10 के बीच में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ओके। पेयर ऑफ टेस्टिस दिख रहा है आपको, ठीक है। स्पर्मेटिका दिख रहा है आपको, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 3 स्पर्मेटिका है, ओके। ये है हर्मोफ्रोडाइट, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों प्रेजेंट है, कहाँ पे, एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये देखो ये क्या है, पोजीशन ऑफ कोएपोलेशन। नॉर्मली जब एक अर्थवर्म का दूसरे अर्थवर्म के साथ में कोएपोलेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल जॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। ये दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट होता है ये मेल जेनिटल पोर एंड स्पर्मेटिकल ओपनिंग, ठीक है, ये स्पर्मेटिकल ओपनिंग दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे क्या होता है, मेल जेनिटल पोर होगा तो ये यहाँ से ट्रांसफर होगा, ठीक है, सेम यहाँ पे, यहाँ से ट्रांसफर होगा। एंड ये क्या है, क्लाइटेलम है, ये क्या है, क्लाइटेलम इसका, और इसका क्लाइटेलम यहाँ पे होता है, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा का एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में अगर आप देखने जाओगे तो ये सेगमेंटेड बॉडी होती है, इसकी क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, एक एक सेगमेंट, तो हर सेगमेंट का एक्सक्रिएशन सेपरेट होता है, मतलब हर इंडिविजुअल सेगमेंट का क्या होगा, एक्सक्रिएशन होगा। एंड एक्सक्रिएशन के लिए सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता है, नेफ्रिडिया, कौन करता है, नेफ्रिडिया, एंड कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड मेटा नेफ्रिडिया इन मोस्ट एक्सक्रिएटेड ट्यूब विथ सीलिएटेड फनल्स दैट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द सीलोमिक फ्लूइड। अभी ये जो सीलोमिक फ्लूइड में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो क्या होता है, वो बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट होगा। एक्सक्रिएट होने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, नेफ्रिडिया, एक्सक्रिएशन के लिए, मतलब नेफ्रिडिया सेम हमारी बॉडी में जैसे किडनी एक्ट करता है फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रिडिया यूज होता है। एंड ये एक्सक्रिएशन किसके थ्रू होता है, ओपन टू द आउटसाइड वाया एक्सक्रिएटरी पोर। हर सेगमेंट में ऐसे आपको पोर दिखेंगे, ये क्या है, ये क्या है, नेफ्रिडियम है। एंड यहाँ से जब फिल्टर होके ये क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। एंड ये जो है पूरा का पूरा क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ओके। नाउ टाइप ऑफ नेफ्रिडिया, अभी नेफ्रिडिया के टाइप्स कितने होते हैं,
ये एक आपका है फेरेंजियल नेफ्रिडियम, यहाँ पे आपको लोबियो लोबियल दिख रहे हैं, छोटे 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 लोब जैसे होते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका फेरेंजियल, एंड ये क्या है आपका माइक्रो नेफ्रिडियम, ये माइक्रो नेफ्रिडियम है, एंड तीसरा क्या है आपका मेगा नेफ्रिडियम, ठीक है, ये तीन अलग टाइप के नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका फेरेंजियल नेफ्रिडिया, सेकेंड क्या है माइक्रो नेफ्रिडियम, एंड थर्ड क्या है आपका मेगा नेफ्रिडियम, तीनों नेफ्रिडिया याद रखना। नाउ एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनस मटेरियल, यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली एनिमल्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट में क्या क्या आता है आपका अमोनिया, जो एनिमल्स के अंदर अमोनिया रिलीज होता है वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट एज अ अमोनिया रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एमोनोटेलिज्म बोलते हैं। सेकेंड होता है यूरिया, उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, एंड थर्ड होता है यूरिक एसिड, एंड इसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ओके, ये तीन, और यहाँ पे चौथा भी होता है अमाइनो एसिड। तो ये एक्सक्रिएशन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर आता है, तो नॉर्मली इसमें क्या होता है इसमें इंक्लूडिंग अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड एंड अमाइनो एसिड ये सब के सब निकलते हैं इनकी बॉडी में। एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है इनका कंसिस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, यहाँ पे क्या होता है नेफ्रिडिया सबसे मेजर रोल प्ले करता है किसके लिए एक्सक्रिएशन के लिए, याद रखना है आपको कौन रोल प्ले करता है, ओके वन सेकेंड हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, कौन रोल प्ले करता है नेफ्रिडिया, ठीक है आप याद रखना। ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, एंड ये क्या होता है विच इज एनालोगस टू किडनी ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में जो किडनी होता है वो किडनी जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी वर्टिब्रेट में किडनी एक्ट करता है वैसे यहाँ पे क्या करता है नेफ्रिडिया एक्ट करता है। अब ये जो डायग्राम है ये हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं आपको क्या लगता है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डायग्राम देख के आप बता सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनमें क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज हम लोग ने देखा था बेसिक एनिमल किंगडम में देखा था ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ओके तो यहाँ पे क्या होता है क्लोज सिस्टम होता है, ये हार्ट है यहाँ से हार्ट वाला पार्ट है हार्ट के जैसा, हार्ट नहीं हार्ट के जैसा, ये ब्लड को क्या करेगा पंप करेगा एंड देन ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रांचेज वेसल्स इन ईच ऑर्गन, ये यहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या होगा ब्रांचेज होंगे, ठीक है एंड यहाँ से ब्लड फ्लो होगा एंड देन अगेन यहाँ से यहाँ पे, तो मतलब बैक फ्लो नहीं होता एंड ओपन नहीं है पूरा का पूरा, जो सर्कुलेशन है वो किसके अंदर होगा कैपिलरीज के अंदर ही होगा कैपिलरीज के बाहर नहीं होगा, ठीक है। अभी डायग्राम देखते हैं इनका, यहाँ पे एसच हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, एसच हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, ये क्या होता है ब्लड वेसल्स ही होते हैं एंड थोड़ा सा उनका साइज क्या होता है बड़ा होता है, ये देखो ये है ब्लड वेसल है डॉर्सल वेसल्स वेंट्रल वेसल्स एंड एक्सिलरी हार्ट, ये जो पार्ट होता है ये जो पार्ट है ये क्या है आपका कैपिलरीज जो है उसका साइज बड़ा है तो देन वो ज्यादा ब्लड को पंप करता है तो वो एज अ हार्ट एक्ट कर रहा है। अर्थवॉर्म देखते हैं उनके बारे में, मोस्ट सेल्स नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एनवायरनमेंट, इनके सेल का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता एनवायरनमेंट के साथ में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कंटेन इन वेसल्स और ट्यूब्स, किसमें होता है वेसल्स या ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है एंड एज अ डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स, कौन से ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं इसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, वन सेकेंड कौन से होते हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड अभी यहाँ पे क्या होता है जो इनका ब्लड होता है वो रेड कलर होता है, क्या होता है रेड कलर होता है तो नॉर्मली इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, क्या होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट एंड हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू, मतलब वो बॉडी टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन को लेके जाएगा, बट ये जो हीमोग्लोबिन होता है प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे होता है प्लाज्मा के अंदर
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। चलो देखते हैं, नया एक अच्छा सा डायग्राम देखते हैं, थोड़ा सा आर्टिस्टिक इमेज है। यहाँ पे दिख रहा है आयोटिक आर्चेस दिख रहे हैं आपको, ये आयोटिक आर्चेस हैं अर्थवर्म के। एज सच यहाँ पे हार्ट नहीं होता है, बट ये यही जो है एज अ हार्ट एक्ट करते हैं। ये टॉर्सल ब्लड वेसल्स है, ये लेटरल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, एंड ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिख रहे हैं आपको। अभी हम लोग ने एनिलिडा के बारे में जितना भी डिटेल्स में पढ़ा है वो सबके सब किसके बारे में था, अर्थवर्म के बारे में। हम लोग ने अर्थवर्म को एज ए एग्जाम्पल लेके हम लोग ने पढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं नेरिस। अभी नेरिस में क्या होता है, क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा अलग दिख रहा है पिक्चर। सेगमेंटेड बॉडी है, वो तो है ही सेगमेंटेड, बट यहाँ पे क्या है, टेंटेकल्स प्रेजेंट है। एंड ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, पैरापोडा। ओके, ये क्या होता है, पैरापोडा। ये पार्ट अलग दिख रहा है एंड इसके ऊपर भी सीटी क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ये दिख रहा है आपको टेल वाला पार्ट दिख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होगा। चलो देखते हैं हम, ये दूसरा दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया। ये नॉर्मली किसके लिए होता है, लोकोमोशन और स्विमिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, स्विमिंग के लिए। ये दिख रहा है टेंटेकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेंटेकल्स। ओके, ये क्या प्रोस्टोमियम है दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या होगा, नेरिस है, यहाँ पे एनस पार्ट प्रेजेंट है। चलो अभी ये जो नेरिस होता है इसके ऊपर भी क्या होगा, सीटे प्रेजेंट होगा। ओके, सीटे प्रेजेंट होगा, उसका काम क्या रहेगा, वो लोकोमोशन के लिए। बट यहाँ पे सीटे के दो टाइप होते हैं, दो अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, ये अगर हम सीटे है तो इसके दो टाइप हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है एसिक्यूलर, दूसरा होता है लोको मोटर। ये किसके लिए यूज होता है, ये सपोर्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, ये सपोर्ट के लिए। ये किसके लिए होता है, ये क्रॉलिंग। ये किसके लिए होता है, क्रॉलिंग के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेते हैं, क्या दिख रहा है आपको, लीच। क्या है, लीच है। अगर आप बारिश के सीजन पे आप चले जाओ, फॉरेस्ट एरिया में चले जाओ या गांव चले जाओ, तो आपको बहुत सारे लीच मिलेंगे जो ब्लड को सक करते हैं, जोक बोलते हैं उनको। लेकिन वो जब सक करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, वो आपकी बॉडी से कब आके चिपक जाते हैं वो पता भी नहीं चलता है। और इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी है इनकी। इनकी क्या है, बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है। तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि गांव में बारिश के सीजन में या तालाब में कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पे गलती से पकड़ लेते हैं, तो वो ब्लड को शक करते हैं। और ऐसी बहुत सारी थेरेपी है जो लीच थेरेपी बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ है वो क्लॉटिंग पार्ट को ब्रेक करने के लिए, वो क्लॉटिंग को ब्रेक करने के लिए हम लोग लीच थेरेपी यूज करते हैं। तो इसमें कुछ तो ऐसा है जो एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब ये आपको सक करता है तो वो टाइम पे आपको आपकी बॉडी से आके चिपक गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी बॉडी से आके वो चिपक गया है। वो आपके ब्लड को शक कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। मतलब वो उसकी बॉडी से कुछ ऐसा रिलीज होता है जो एज अ एनेस्थीसिया एक्ट करता है उस पर्टिकुलर पार्ट पे। उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। तो वो एज अ एनेस्थीसिया एक्ट करता है जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि वहां पे वो आया है और आपके ब्लड को शक कर रहा है। बट ब्लड को सक कर रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होगा, वो कट करेगा तभी तो जाएगा ना। वो कट कैसे करता है, आपकी बॉडी के ऊपर कट कैसे, स्किन पे कट कैसे करता है, वो चीजें हम देखते हैं। दिख रहा है उसके बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो पार्ट होता है ये क्या है, हेड पार्ट है। हम लोग ने लिया है एक पिक्चर, लिया है यूरोपियन मेडिकल लीच लिया है। ये इसका पार्ट दिख रहा है, ये स्किन पे उसका कट का स्ट्रक्चर दिखा रहे। ये क्या है, वाई शेप स्ट्रक्चर है। ये उसका हेड पार्ट है। एंड यहाँ पे क्या होता है, सेलिवरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग खाली माउथ वाला पार्ट देख रहे हैं, ये माउथ है। यहाँ पे थ्री जॉ प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा है, ये दो तीन, ये जॉ लाइन है। एंड यहाँ पे क्या होता है, रिच ऑफ टीथ, यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ ये जो पार्ट है ये क्या है, सेलिवरी डक्टलेस है।
तो अभी क्या होता है कि ये जो टीथ होता है, जो शार्प टीथ होता है उसका, वो क्या करता है, थ्री जॉस के जो होते हैं रेजर लाइक ब्लेड की जैसा होता है, शार्प टीथ होता है एंड ये वाई शेप में, ऐसे तीन है तो ऐसे क्या करेंगे, वाई शेप में कट करेंगे, ऐसे आपको वाई शेप में कट करेंगे, ऐसे वाई शेप में, ओके हम ऐसे लेते हैं, ऐसे वाई शेप में कट करेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे कट करेंगे एंड कट करने के बाद क्या होता है, एंड वो उनका जो सलवे डक्टलेस होता है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है, क्या करता है वो एनेस्थीसिया के जैसा कुछ तो सिक्रीट करता है, एनेस्थेटिक कुछ सिक्रीट करता है एंड वो सिक्रीट करने के बाद जो ये होता है एंड पोटेंट एंटी क्लॉटिंग, अभी इसकी बॉडी से क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म रिलीज होता है एंड वो क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग केमिकल क्या होता है, हाइरूडीन, ये रिलीज करता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है एंड वो कंटिन्यूसली ब्लड को क्या करता है, वो सक करते रहता है। ये साइड में आपको दिख रहा है यहाँ से शक्कर है, ये पोस्टीरियर शक्कर भी प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट, इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट है एंड इसका अप्रॉक्सीमेटली साइज कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, कितना होता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में, दे मे बी एक्वेटिक मरीन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, क्या होगा ये फ्री लिविंग होगा, क्या होगा फ्री लिविंग, सम टाइम पैरासिटिक एंड कुछ टाइम क्या होगा वो पैरासिटिक भी एक्ट करेगा, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है एंड और क्या होती है इनकी बॉडी क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब नॉर्मली जितने भी आप देखोगे सबके सब क्या हो रहे हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल हो रहे हैं। आपका पहला जो था असिलोमेट था, जो पोरीफेरा था असिलोमेट था, उसके बाद सिलेंड्रेटा टेनोफोरा और कौन सा, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, ये तीन क्या है आपके रेडियल सिमेट्रिकल है एंड बाकी सबके सब क्या है आपके बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक, मतलब यहां पे क्या होंगे थ्री लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म एक्टो मेसो एंड एंडोडर्म एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगा ये इनकी बॉडी, मेटामेरिकली बाहर से पूरा अंदर तक पूरा सेगमेंट होगा एंड सीलोमेट एनिमल, मतलब बॉडी कैविटी यहां पे क्या होती है प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है एंड देयर बॉडी सरफेस इज डेफिनेटली मार्क आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा। अभी एनिलिडा को आप देखोगे तो बाहर से पूरा का पूरा एक सेगमेंट है, मतलब ऐसा दिख रहा है पूरा का पूरा एक्सटर्नल टू इंटरनल पूरा का पूरा वो पार्ट डिवाइड हुआ रहता है। प्लेटे हेलमिंथस में क्या था, सूडो सीलोमेट था, दिख रहा था सॉरी प्लेटे हेलमिंथस में क्या होता है सूडो सेगमेंटेड होता है, उनकी बॉडी में मार्क दिख रहा है बट है नहीं, बट यहाँ पे कंप्लीट सेगमेंट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनुलस, मतलब होता है लिटिल रिंग, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं रिंग के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, दे पॉसेस अ लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। अभी इनकी बॉडी में क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है इनके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो क्या होता है वो मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है उनमें लोकोमोशन होता है, ठीक है। चलो एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस पॉसेस अ लेटरल अपेंडेज एंड पैरापोडिया, इसमें क्या होता है एक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं लेटरल अपेंडेजेस एंड वो क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया एंड नॉर्मली वो किसके लिए यूज करता है वो स्विमिंग के लिए। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा उसके बाहर नहीं आएगा। ओके, नेफ्रिडिया, अभी हम एक्सक्रेटरी सिस्टम देखेंगे, नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन, ये एज अ किडनी, मतलब अर्थवर्म का ये क्या है किडनी है, अथवा का क्या है किडनी है। चलो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियो कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये ऐसे रिंग के जैसा स्ट्रक्चर होगा एंड ऐसे
और ऐसे अगर आप देखने जाओगे तो ऐसे ठीक है, ये ऐसे ऐसे पार्ट होगा ठीक है। नेस एंड एक्वेटिक फॉर्म, ये क्या होता है? एक्वेटिक फॉर्म होता है, इसे डायसियस होता है बट अर्थ वॉर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस। मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल क्या होते हैं? अलग होते हैं, बट यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा? अलग अलग होगा, बट यहाँ पे क्या होगा? एक ही बॉडी के अंदर होगा। मतलब ये क्या है? हर्मोफ्रोडाइट है। क्या है? हर्मोफ्रोडाइट। एंड रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे थ्री एग्जाम्पल्स हैं, नेरिस फेरेटिमा मतलब नॉर्मल अर्थवॉर्म एंड हाइब्रिनारिया ब्लड सकिंग लीच, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं आपके ठीक है। चलो अभी हम लोग ने, अभी इस फाइलम में हम लोग ने क्या क्या देखा है वो पॉइंट्स हम लोग चलो नोट डाउन कर लेते हैं ठीक है। वो पॉइंट्स हम लोग क्या कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं। पहला जो था, हम पहला पॉइंट देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा? क्या देंगे हम लोग? सेगमेंटेड बॉडी ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्रिकल ओके। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होगा इनकी बॉडी में? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। चौथा पॉइंट क्या है इनमें? सीरोम, ट्रोसीरोम ओके। हम लोग ट्रोसीरोम लिखते हैं, ट्रो सीरोम। पांचवा पॉइंट क्या होगा? पांचवा पॉइंट क्या है बोलो? चलो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है ठीक है। और क्या है? ट्राइप्लोब्लास्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक ओके। सातवां पॉइंट क्या है? हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ ओके, हर्मोफ्रोडाइट ओके। और क्या देखते हैं हम लोग? आठवां पॉइंट क्या देखा हम लोग ने? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम देखा हम लोग ने ओके। एंड देन क्या देखा हम लोग ने? नाइन्थ पॉइंट क्या देखा हम लोग ने? सर्कुलेटरी सिस्टम ओके। टेंथ पॉइंट क्या देखा हम लोग ने? एक्सक्रिएटरी सिस्टम देखा हम लोग ने। इसमें क्या होता है? नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है आपका? क्लोज सिस्टम होता है ठीक है, क्लोज सिस्टम होता है। तो इतने पॉइंट्स हम लोग ने किसके बारे में देखा है? एनिलिडा के बारे में देखा है। एंड यहाँ पे क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? एक तो आपका सीटे प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या होता है? नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, नेफ्रिडिया होता है ओके। एंड और क्या होता है? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है ठीक है ओके। इतनी सारी चीजें हम लोग ने आज डिस्कस किया है ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा आपका? फाइलम ऑर्थोपोडा। मतलब अब हम लोग थोड़ा सा एनिलिडा से और एडवांस फाइलम में हम जाने वाले हैं। नॉर्मली फाइलम ऑर्थोपोडा को बोला जाता है कि वो अभी तक का सबसे सक्सेसफुल फाइलम है। एंड वो सक्सेसफुल क्यों है इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके।